अभी सुबह का टाइम हुआ है, 6:33 हुए हैं और रोड देखें सुनसान है, खामोशी है हर तरफ। और थोड़ी देर तक जब वर्कशॉपें खुल जाएंगी यहाँ पे, 8 बजे वर्कशॉपें जो है वो खुल जाती हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा रश हो जाएगा गाड़ियों का और ठक ठक की आवाजें हर तरफ, शोर ही शोर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद है कि ठीक होंगे, ठीक रहिए। और दुआ में याद रखिएगा, आप लोगों से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सुबह जब अलार्म बजता है दिल नहीं करता उठने का, पर क्या कर सकते हैं, ड्यूटी पे जाना होता है। मॉर्निंग की ड्यूटी जो मेरी फेवरेट ड्यूटी है और मेरी रूटीन भी थी कि मैं बहुत सुबह उठ जाता था, मगर ये जो पिछले दिनों शेड्यूल रहा है रात की ड्यूटी का, नाइट ड्यूटी का, तो उसमें थोड़ी सी रूटीन चेंज हो गई हुई है, तो इस वजह से अभी मॉर्निंग टाइम आँख नहीं खुलती, मगर अलार्म जब बजता है तो उठना पड़ता है बहुत मुश्किल से। वैसे तो अभी वैसे नाश्ता वगैरह कर लिया, नाश्ता वगैरह करके बाइक की तरफ आया हूँ। बाइक को साफ करना पड़ता है इस टाइम, तकरीबन 2-4 मिनट तो लग जाते हैं साफ करते हुए, सही तरह से सफाई करते हुए। अभी वैसे बाइक की सफाई करके निकलने लगा हूँ ड्यूटी पे, आपको मिलता हूँ मैं चल के ड्यूटी पे। ये एक भाई ने देखे, तलाबात वाले ने बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है, ये बड़ी नरम चीज जो है ना वो यहाँ पे लगाई हुई है, सीट काफी ज्यादा नरम हो गई हुई है, तो ये तो बड़ी प्यारी चीज लग रही है। अगर हमारे कुछ लड़के है तलाबात के, डिलीवरो के लगा ले या किसी और कंपनी के लगा ले, उन अल्लाह के बंदू ने क्या किया हुआ है की पूरे पूरे तकिए जो है ना वो सीट पे रखे हुए हैं, उसके अलावा कंबल रखे हुए हैं सीट पे, इस तरह का काम करते हैं, यूनिफॉर्म धोते नहीं है, इतने गंदे बन के रहते हैं, पता नहीं कब का उन्होंने नहाया होता है। तो अभी बाइक राइडर्स के लिए इतने ज्यादा कानून बन चुके हैं, इतने ज्यादा इतने फाइन आते हैं, ऐसे ऐसे कानून हैं कि जो के बिल्कुल ही समझ से बाहर है। उनमें से एक कानून आजकल एक और चीज हो गई हुई है, अबू धाबी में तो वैसे अभी तक नहीं हुई, दुबई में है, कि आपने अंडरवियर पहना होना चाहिए, तो अगर वो ना पहना हुआ तो आपको फाइन आएगा 2000 या 3000, इस तरह से फाइन आ रहा है। जहाँ पे बाइक राइडर्स खड़े होते हैं उनके अंडरवेयर चेक भी कर रहे हैं, ना जिसने पहना उसको फाइन कर रहे हैं, तो देखें कि हमारी वजह से बना हुआ है। हम लोग जो है ना वो प्रॉपर नहीं अपना देखते, मतलब कि यार हम लोग जाते हैं डिलीवरी करने जाते हैं, आप साफ सुथरा बन के जाओ, नहा धो के जाओ, तो अगले बंदे को पता चले, कस्टमर को पता चले कि किसी कंपनी का बंदा है, यार क्या कंपनी है क्या बंदा है, मतलब यार किसी को ये ना आपसे मिलके ये ना हो कि यार ये कितना गंदा बंदा है यार आपसे, मतलब अगर वो खाना भी पकड़ने लगे तो ऐसा ना हो कि वो आपसे मतलब वहां पे रख दो, ऐसा कुछ करते आपको ही देख के यार उसका दिल ही ना करे खाना खाने को, तो अच्छी बात नहीं है। तो कुछ लोग जो है ना मैंने देखे हैं काफी गंदे होते हैं, तो अभी तो तलाबात ने इसी वजह से जो है ना वो ड्यूटी कम कर दिया, नहीं तो लोग 14-14, 16-16 घंटे जो है ना वो ड्यूटी करके ये काम करते थे, नहाते भी नहीं थे, सोते भी बाहर थे और इस तरह का, तो बहुत गंदे रहते थे। मैं ड्यूटी पे निकलने लगा हूँ तो सीम भी निकलने लगा है ड्यूटी पे, ये तंदूर है तो यहाँ से रोटियाँ लेते हैं ये लोग। अभी मैं रास्ते में था तो वहाँ से मुझे ऑर्डर आया था ये स्टारबक्स का, अभी यहाँ पे आया हूँ स्टारबक्स से उठाने, तो देने पता नहीं कहाँ पे जाना है, मैंने जल्दी जल्दी में देखा नहीं था, बाइक चला रहा था जब ऑर्डर आया था, तो मैं वैसे अभी ऑर्डर दे के वापस आ गया हूँ कोस्ता काफी के सामने बैठता हूँ यहाँ पे, अभी दूसरे ऑर्डर का वेट करता हूँ। तो अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा ऑर्डर आ गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये वाला ऑर्डर भी वैसे स्टारबक्स से उठाने आया हूँ, अभी ऑर्डर लेके आ गया हूँ, ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑर्डर लेके आया हूँ, तो बैग में से ऑर्डर निकाल के दे आते हैं कस्टमर। तो मैं अभी ऑर्डर दे के वापस आ गया हूँ, तो टीम में लड़के जो है सारे ही आ गए हैं, अभी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है सब की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या उमर भाई, क्या हाल है, क्या उमर भाई और रजवान भाई, अभी फाइन हो रहा है अंडरवेयर ना पहनने पे, आप पहनते हो कि नहीं, पहन लेना चाहता हूं मैं, ऑर्डर आ गया नहीं यार आहो कानून आ गया की वाकई कानून, अच्छा उमर भाई ऑर्डर तो आपको आ गया, जवाब दे जाएं इस बात का, मालूम हम तो पहनते नहीं है, सीधी सी बात है, मैं खुद नहीं पहनता इस तरह, तो हमें अच्छा भला फाइन हो जाएगा सबको, किसी दिन यहाँ पे आ गया नहीं छुटता जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तीसरा ऑर्डर आ गया, बैठे हुए थे रजवान भाई को भी वैसे आ गया, वो उठाने क्या हुआ, मुझे भी आया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये सामने स्टारबक्स से ही उठाना है ये वाला ऑर्डर।
ऑर्डर देने गया था वहाँ से रस्ते में मुझे ऑर्डर पड़ा एक और शेख जायद मस्जिद का। वहाँ से ही गाड़ी मोड़ी, रिकॉर्डिंग लगाई और ऑर्डर शेख जायद मस्जिद से उठा के कस्टमर को दे आया। अभी वापस जो है ना वो कोस्ता काफ़ी के सामने आ गया हूँ, नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं, देखते हैं कि कब तक आता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार आप दूसरी जगह की वीडियो बनाओ, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कॉर्निश के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके बंदा वीडियो बनाए। कॉर्निश मतलब बीच, उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अलाउ हो सही तरह से बंदा खुल के वीडियो बना सके अबू धाबी में, और वैसे भी टाइम होता कोई नहीं है। तो टाइम चलो निकालना पड़ता है, मगर टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। ड्यूटी के बाद में दिल नहीं करता कि बंदा कहीं और जाए। तो ये तो मुझे भी पता है कि मेरे व्यूज़ वगैरह जो है ना वो कम हो रहे हैं। तो आस्ता आस्ता जो है ना बिल्कुल शायद ख़त्म ही हो जाए, उस चीज़ का पता नहीं। बाकी ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डाउन हो गए। वैसे भी जब मैंने वीडियोज़ वगैरह डिलीट की थी तब से ही जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हुए हैं। वैसे ड्यूटी के अलावा वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता, ना बना सकता हूँ। अभी जो है ना एक और ऑर्डर आ गया जो कि स्टारबक्स से उठा के देना है, ये सामने वाली बिल्डिंग में, बैंक बिल्डिंग में। तो अभी वैसे एक घंटे के लिए मुझे रेस्ट हुई है, तो मैं आया था रूम में, खाना वगैरह खा के एक घंटे के बाद निकलता हूँ। तो आज के लिए ये वीडियो थी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।